हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक हेल्दी सैंडविच हंकड़ के साथ, और ग्रीन कैप्सिकम, येलो बेल पेपर और रेड बेल पेपर के साथ। ठीक है, हेल्दी ऑप्शन। ये बनाई है हमने हरे धनिया पुदीने की सैंडविच वाली चटनी। हरी चटनी बिल्कुल फ्रेश है। ये हमने ली है आटा ब्रेड, है ना। तो हंकड़ लिया है हमने 2 टेबलस्पून, 2 पिंच हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, नमक स्वाद के अनुसार लिया है, 2 पिंच चाट मसाला लिया है, 1 प्याज को बारीक काट लिया, आधा आधा हमने बेल पेपर्स को लिया है जिनको बारीक काट लिया है। तो ये हम सारी चीज़ें ना मिक्स कर लेंगे एक प्लेट में, और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए, ये मिक्सचर जो है ना हमारा तैयार हो चुका है, बहुत बढ़िया है। टेस्ट हमने कर लिया है। हरी मिर्च वगैरह मैंने नहीं डाली है क्योंकि हमारे पास स्पाइसी चटनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये ब्रेड स्लाइस हमने निकाल लिए हैं। ब्रेड हमें बिल्कुल फ्रेश लेनी है, ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक ब्रेड पर तो हम लगाएंगे चटनी, हरी चटनी जो हमने फ्रेश पीस के रखी है। झटपट बनने वाले सैंडविच हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर आपको लगता है थोड़ी देर से आप खाएंगे या कुछ ऐसा है, तो जिधर चटनी लगाएंगे उधर एक लेयर बटर की लगा सकते हैं। बट मैं इनको हेल्दी वर्जन बना रही हूँ, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, बनाकर ज़रूर देखिएगा, तभी पता चलेगा कि सैंडविच जो हैं वो कैसे बने हैं। ये देखिए, अब हम इस पर ये फिलिंग रख लेंगे दूसरी ब्रेड पर। और ये ना क्रंची क्रंची बेल पेपर्स बहुत अच्छी लगती हैं, और हेल्दी तो है ही अपने आप में, है ना। तो इस तरह से हम इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। हो गया है ना रेडी, हमने चारों तरफ से अच्छे से इसको स्प्रेड कर लिया है। ब्रेड रखते हुए भी ना हमें ध्यान रखना है कि किधर कर्व है, दूसरी ब्रेड उसी के साथ मिलाएं ताकि वो अच्छे से वो हो जाती है, चिपक जाती है। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। कुछ लोग पहले काटते हैं साइड्स, लेकिन मैं बाद में काटती हूँ। बहुत ध्यान से, बहुत हल्का काटती हूँ। ब्रेड नाइफ जरूर रखें आप, तो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, बट एक फाइन सैंडविच आपको देखने में मिलता है ना। तो बहुत फाइन आप कट कर लीजिए, देखिए कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। हल्का सा ऐसे, तो ब्रेड नाइफ हो ना तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी हो जाता है। तो हम चारों तरफ से ये ब्रेड ऐसे स्लाइस कर लेंगे, और फिर जैसे चाहें आप वैसे आप पीसेस कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से कट रहा है, बस आप चाकू को ना ऐसे प्रेस करके ना काटें, बिल्कुल सीधा ऐसे हल्का हल्का ऐसे स्लाइड करते हुए। ना तो आपका सैंडविच दबेगा, ना आपका यहाँ से ना अजीब सा लुक आएगा। और ये देखिए, है ना यम्मी, कितना बढ़िया सैंडविच बनके तैयार है। फुल ऑफ वेजीज है, आपको यहाँ दिखाऊं मैं। देखिए दूसरा भी ग्रीन चटनी के साथ, बहुत हेल्दी सैंडविच, नो कुकिंग सैंडविच है। तो एक और सैंडविच हमने ऐसे बना लिया है, ये देखिए। अब ना अगर आपको छोटे बाइट ऐसे देने हैं ना, खिलाना है, तो आप ऐसे इस तरह से छोटे बाइट में भी कट कर सकते हैं, छोटे ट्राइंगल में। तो ये खाने में और ईजी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा देखने में, है ना। तो मैं इनको सबको कट कर लेती हूँ, और मैं बताऊँ, फ्रेश ब्रेड हो, फ्रेश वेजिटेबल्स हो, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है, नथिंग लाइक इट। आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये देखिए, हमारे यमी से सैंडविच बनकर तैयार हैं, है ना अच्छे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मैं बाहर आके फ़ोटो ले रही हूँ। वाह।